Hello everyone. It is my pleasure to be here. My name is Manwar Manwar Singh. You all welcome to Best Notes tutorial. In this video, we will cover Katori dynasty. I would like to say if you like this video, please like share and subscribe our channel. Before I start this video, if you all wants to join UKPSC exam test series, then you can contact us and download our app. The name is BN tutorials. You can easily download फ्रॉम प्ले स्टोर एंड कॉन्टैक्ट इज सेवन फोर जीरो नाइन टू एट सेवन वन फाइव सिक्स यू आर वॉचिंग दिस नंबर ऑन योर स्क्रीन सो लेट्स स्टार्ट ओके तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कार्तिकेपुर राजवंश या कत्तूरी राजवंश की जिन्होंने सात सौ ईस्वी से लगभग एक हज़ार पचास ईस्वी तक उत्तराखंड पर शासन किया कार्तिकेपुर राजवंश की स्थापना सात सौ ईस्वी में हुई थी जो कार्तिकेयपुर राजवंश था या फिर कत्तूरी वंश था उसकी स्थापना लगभग 700 सौ ईस्वी में हुई थी इस राजवंश को उत्तराखंड पर राज करने वाला पहला ऐतिहासिक वंश माना जाता है अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड पर राज करने वाला पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन था या पहला वंश कौन था तो आपका वहाँ पे उत्तर आएगा कार्तिकेयपुर राजवंश उत्तराखंड पर राज करने वाला जो पहला ऐतिहासिक राजवंश था वो था कार्तिकेयपुर, ओके अब हम यूँ भी कह सकते हैं कि कार्तिकेयपुर राजवंश को मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है आ, इस वंश ने अपने पहले 300 वर्ष तक जोशीमठ चमोली को अपनी राजधानी के रूप में रखा था और 300 वर्ष के क्रम में यहाँ चौदह राजाओं ने शासन किया था तो इनकी जो पहली राजधानी थी वो थी जोशीमठ में जोशीमठ कहाँ पे है वो है चमोली में इसको इन्होंने अपनी राजधानी के रूप में रखा था और 300 वर्ष के क्रम में यहाँ चौदह राजाओं ने शासन किया इस वंश के जो प्रथम तीन परिवार थे उनके चौदह नरेशों ने प्राय 300 वर्ष तक यहाँ पर शासन किया था तो चलिए आगे चलते हैं बाद में इन्होंने अपनी राजधानी बैजनाथ बागेश्वर यानी कत्तूरी घाटी कार्तिकेयपुर नामक स्थान में, में स्थापित करी बैजनाथ को ही प्राचीन काल में कार्तिकेयपुर कहा जाता था तो बाद में जब कई समय बाद इन्होंने जो अपनी राजधानी थी उसको बैजनाथ में शिफ्ट कर दिया यानी बागेश्वर में और बागेश्वर कहाँ पे है वो वो था कतूरी घाटी में कार्तिकेपुर नामक स्थान में स्थापित करी यानी यानी जहाँ पे इन्होंने राजधानी अपनी शिफ्ट की थी बाद में वहाँ का नाम था कार्तिकेयपुर बैजनाथ को ही प्राचीन काल में कार्तिकेयपुर कहा जाता था यानी जो बैजनाथ था उसको प्राचीन काल में ही कार्तिकेयपुर कहा जाता था इसीलिए इसका नाम इसलिए इस वंश का नाम कार्तिकेयपुर वंश भी पड़ा होगा अभिलेखों के अनुसार कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक बसंत देव थे परंतु प्राचीन काल से लोगों का कहना है कि इस वंश के जो संस्थापक थे वो थे वासुदेव तो ज़्यादातर बार हमें बसंत देव का ही प्रमाण मिलता है या कई एम में बसंत का उल्लेख मिलता है तो उसका राइट आंसर बसंत ही आएगा कार्तिकेयपुर राजवंश के जो संस्थापक थे वो थे बसंत देव लेकिन प्राचीन काल से लोगों का कहना था कि इस वंश के जो संस्थापक थे वो थे वासुदेव तो हम यहाँ पे बसंत देव को ही इम्पोर्टेंस देंगे तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार बसंत देव और वासुदेव दोनों एक ही व्यक्ति थे तो ऐसा भी हो सकता है बसंत क्या पता बसंत देव का नाम वासुदेव या उनका जो चाइल्डहुड नेम हो सकता है तो इसमें कोई संदिग्ध नहीं है बसंत देव की जानकारी हमें बागेश्वर लेख से प्राप्त होती है और इन्होंने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि प्राप्त की थी तो जो बसंत देव थे उनकी जो जानकारी हमें बागेश्वर के लेख से मिलती हैं और इन्होंने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि भी प्राप्त कर ली थी एक नर्सिंग मंदिर इनके द्वारा जोशीमठ में बनवाया गया था तो बसंत देव ने एक नर्सिंग मंदिर बनवाया था जोशी मठ में कई बार एम आपसे ये पूछ सकता है कि नर्सिंग मंदिर किन किन्होंने बनवाया किनके द्वारा बनवाया गया तो वो थे आपके बसंत देव जी ओके राजा बसंत देव ने बागेश्वर के पास एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक गांव दान में दे दिया था कार्तिकेयपुर राजवंश या कतूरी वंश के बारे में हमें बागेश्वर पांडुकेश्वर बैजनाथ या बैद्यनाथ और कंडारा आदि स्थानों से प्राप्त हुए ताम्र लेखों या अभिलेखों से इस राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है इस वंश के काल को मूर्तिकला और वास्तुकला में उत्तराखंड का स्वर्णयुग कहा जाता था इस वंश का जो काल था उसे मूर्तिकला और वास्तुकला में उत्तराखंड का स्वर्णयुग कहा गया है या कहा जाता था कार्तिकेयपुर भगवान कार्तिकेय थे तो कार्तिकेयपुर राजवंश या कार्तिकेयपुर के जो लोग थे उनका जो देवता था वो था भगवान कार्तिकेय इतिहास का लक्ष्मी जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर राजवंश के शासन मूल रूप से अयोध्या से संबंधित थे तो इतिहास का लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार जो कार्तिकेयपुर राजवंश के जो शासक थे या जो लोग थे मूल रूप से वे अयोध्या के थे या अयोध्या से संबंधित थे ये लक्ष्मीदत्त जोशी इतिहासकार थे उनका कहना था इतिहासकार बद्रीद इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कार्तिक राजवंश के शासक सूर्यवंशी थे ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आप सभी लोग जरूर देखिए इस वंश की वंशावली के अंदर भी अलग अलग वंश हैं जैसे राजाओं के उनके अपने अपने परिवारों को अलग अलग वंश नाम दिया गया है परंतु यह सारे कार्तिकेयपुर वंश या कत्योरी वंश के अंतर ही आते हैं कार्तिकेपुर राजवंश के जो शासक थे उनको थोड़ा सा आपको बता दूं। बसंत देव खरपड़देव वंश से थे कल्याण राजदेव ये भी खरपड़देव वंश से थे त्रिभुवन राज ये भी खरपड़देव वंश से थे निम्बरदेव निम्बर वंश से थे और इष्टगण, इष्टगण निम्बर वंश से थे ललित सूर ये भी निम्बर वंश से थे भूदेव ये भी निम्बर से थे इच्छरदेव ये सलोड़ादित्य वंश से थे दे देसतदेव ये सलोड़ादित्य वंश से थे परमदेव ये सलोड़ादित्य वंश थे और सुभिक्ष राजदेव ये भी सलोड़ाद्वितीय वंश थे और धामदेव तो बात करते हैं खरपरदेव वंश की तो खरपरदेव वंश के जो प्रथम राजा थे वो स्वयं राजा खरपरदेव थे इस वंश के बारे में जानकारी हमें बागेश्वर लेख से मिलते हैं और राजा खरपरदेव कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन थे इनके पुत्र का नाम कल्याण राज था लेख में बताया गया है कि खरपरदेव वंश का जो अंतिम शासक था वो था या अंतिम राजा था त्रिभुवन राज अब बात करते हैं निम्बर वंश की इस वंश के प्रथम राजा निम्बर देव होते हैं तो जो निम्बर देव थे उन्होंने स्वयं निम्बर वंश की स्थापना की थी निम्बर वंश के बारे में सबसे ज़्यादा जान जानकारी हमें पांडुकेश्वर जोशीमठ से प्राप्त हुए ताम्र पत्रों से मिलती है राजा निम्बर देव शैव धर्म को मानते थे और इन्हें शत्रुहंता भी कहा जाता था राजा देव शैव धर्म को मानने वाले थे और इन्हें शत्रुहंता भी कहा जाता था राजा निम्बरदेव के बाद उनके पुत्र इष्टगण राजा बनते हैं और इन्होंने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया तो राजा निम्बर देव के बाद उनके जो पुत्र थे इष्टगण देव उन वो उत्तराखंड का राजा बनते हैं और फिर उन्होंने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया और इनको इस कार्य का श्रेय भी दिया जाता है राजा इष्टगण ने जागेश्वर में नवदुर्गा महेश मर्दिनी लकुलीश नटराज मंदिरों का निर्माण करवाया था ये कई बार एम में पूछा जाता है या आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नवदुर्गा महेश मर्दिनी लकुलीश नटराज आदि मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था तो वहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए होते हैं तो यदि वहाँ पे इष्टगण देव का जिक्र आया होगा और पक्का है कि वहाँ पे इष्टगण देव का ही जिक्र आया हुआ होगा तो वहाँ ये आपका वहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ओके पांडुकेश्वर से प्राप्त ताम्रपत्र में ललित सूर्यदेव को काले कलंग पंख में मग्न धरती के उद्वार के लिए ब्राहवतार बताया गया है पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र में यानी जो पांडुकेश्वर में मिला था एक ताम्रपत्र उसमें ललित उसमें ललित सूर्यदेव को काले कलंग पंख में मग्न धरती के उद्दार के, के लिए अवतार बताया गया था ललित सूर्देव के बाद उनके पुत्र भूदेव राजा बनते हैं और इन्होंने बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया और इसके निर्माण में सहयोग किया तो ललित सूर के बाद इनके जो पुत्र थे भूदेव वो राजा बनते हैं और इन्होंने बैजनाथ या, या बैधनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था और इसमें सहयोग भी किया राजा भुदेव बौद्ध धर्म के कट्टर विरोधी थे और इन्होंने इसके लिए वृद्ध श्रमण सत्र की उपाधि भी धारण करी थी अब बात करते हैं सलोड़ादित्य वंश के। इस वंश के प्रथम शासक इच्छरदेव थे सलोड़ादित्य वंश के बारे में जानकारी हमें बालेश्वर और पांडुकेश्वर से प्राप्त ताम्रपत्रों से प्राप्त होती है इच्छरदेव के पश्चात देश देव पद्मदेव सुभिक्ष राजदेव आदि शासक बनते हैं तो दोस्तों अब बात करते हैं गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड पर आगमन या उत्तराखंड में आगमन शंकराचार्य जी जब उत्तराखंड आए तब यहाँ कार्तिकेयपुर राजवंश या कतूरी वंश का शासन चल रहा था और राजा इष्टगण शासन कर रहे थे जो निम्बर वन से संबंधित थे और कार्तिकेयपुर राजवंश या वंश के अंतर्गत ही आता है शंकराचार्य भारत के महान दार्शनिक व धर्म प्रवर्तक थे और उन्होंने हिंदू धर्म की पुनः स्थापना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उन्होंने भारत में चार मठों की स्थापना करी थी शंकराचार्य द्वारा जो स्थापित चार मठ वो थे वो निम्नलिखित हैं ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में द्वारकापीठ गुजरात में श्रृंगेरी शरद पीठम कर्नाटक में और गोवर्धन पूरी मठ ओडिशा में और 820 सौ में और 820 सौ ईस्वी में इन्होंने अपने शरीर को केदारनाथ में त्याग दिया था तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही हम मिलते हैं अगले नए टॉपिक में तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर थैंक यू फॉर कनेक्टेड स्टेबलेस